हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है खबर का। लखनऊ में नदवा मदरसा में सर्वे पूरा हो गया है। आपको बता दें कि कई अधिकारियों की मौजूदगी में ये सर्वे किया गया है। वहीं डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरी ऑफिसर के मुताबिक नदवा प्रशासन ने सर्वे में पूरा कॉर्पोरेट किया। नदवा प्रशासन की सभी चीजें सही पाई गई है। सर्वे टीम ने लगभग 1.5 घंटा तक सर्वे किया। वहीं नदवा की सर्वे रिपोर्ट तैयार कर अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी। वहीं सर्वे के दौरान SDM, ABSS, GMO और कई अधिकारी मौजूद रहे। और इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शादाब हमारे साथ जुड़े हैं। शादाब, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे चल रहा है और इसमें मदरसा नदवा भी आ चुका है, क्योंकि ये बड़ा बड़ा मदरसों में माना जाता है, और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर? लेकिन अंदर जी, मैं आपको बता दूं कि आज नदवा में जो है के लिए आज टीम आई हुई थी सर्वे के लिए, जिसमें 1.5 घंटा तकरीबन यहाँ पे जांच चली होती है। उसके जो जो भी नदवा प्रशासन से पूछा गया तो उन्होंने भी जवाब दिया है कि क्या क्या मामले सामने आते हैं, और साथ ही जो सर्वे में जो कुछ 12 बिंदुओं पर लेकर यहाँ पे आए थी और उसके लिए भी पूछा गया, तो जो नदवे का जो प्रशासन है उन्होंने भी उसके बारे में सब एक एक जवाब दिया है। हालांकि जो नदवे के जो प्रशासन है उन्होंने साफ तौर पर ये बात की, जो सरकार का आदेश है उसका हम पालन करेंगे और उसका हम जिस तरह भी जो टीम सर्वे की आई है वो जो पूछेगी हम उसको बताएंगे। फिलहाल जो सर्वे की टीम थी उन्होंने बताया है कि हिसाब से मैंने नदवा प्रशासन से पूछा तो उन्होंने सही सही जवाब दिया है। अब ये रिपोर्ट उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, उसके बाद क्या होता है ये आगे की कार्रवाई बताएंगे। 12 बिंदुओं को रखकर सर्वे किया जा रहा है, तो नदवा प्रशासन की तरफ से क्या क्या मतलब ऐसा कुछ कमी मिली है? देखिए, अभी तो कोई ऐसी कमी नहीं मिली है। जो जो इन्होंने पूछा, चाहे वो जमीन को लेकर हो, चाहे नदवे की आय को लेकर हो, और वहीं चाहे यहाँ पे बाथरूम बने हैं कि नहीं बने, सारे चीजें जो है नदवे प्रशासन से पूछा गया, तो यहाँ पे सब कोई भी खामी अभी फिलहाल तक इस सर्वे में नहीं निकल के सामने आई है। और जो कुछ भी पूछा गया है नदवे प्रशासन से वो बताया गया है, और उसकी रिपोर्ट बना के अब जो अधिकारी सर्वे करने आए थे ये कुछ अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। हम आपको ये भी बता दें कि जो इस सर्वे में अधिकारी थे वो SDM भी थे और साथ ही DMO और भी कई अधिकारी थे, वो आए थे यहाँ पे, वो लगातार सर्वे कर रहे थे और साथ ही तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक इन लोगों ने सर्वे किया और जांच की और पूछताछ भी की है। उसमें जो कुछ भी निकल गया उसकी रिपोर्ट बना के ये उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। जी नंद, आपको आपका आपका वहाँ किसी से बातचीत हुई, मौलवी या कॉलेज प्रशासन में जो वहाँ मौजूद रहे हो? जी बिल्कुल, वहाँ के जो मौलवी थे उनसे बात हुई थी। उन्होंने ये भी बताया कि जो ये सर्वे टीम आई थी उन्होंने जो जो कुछ पूछा उसको बाखूबी हम लोगों ने बताया है, और जो उनको और भी कागज चाहिए होंगे तो वो भी मौजूद कराए जाएंगे और वो दिए जाएंगे उनको। अभी फिलहाल जो अधिकारी आए हुए थे, चाहे वो SDM हो चाहे DMO हो, उन्होंने भी साफ तौर पर ये बताया कि जो कुछ भी नदवा प्रशासन से पूछा गया है उन्होंने सही सही बताया है, और जो जो कागजात की हमें जरूरत थी वो भी नदवा प्रशासन ने दिया है हम लोगों को। तो क्या लग रहा है शादाब, लखनऊ के जैसे अभी नदवा का हो चुका है सर्वे, और भी बड़े मदरसों का सर्वे होना ही होगा? जी बिल्कुल, ये लखनऊ का पहला सर्वे था नदवे का। अभी इसके बाद कई और भी ऐसे मदरसे हैं, वहां पे भी ये टीमें जाएंगी। फिलहाल जो पहला जो सर्वे था वो इन्होंने नदवे से चालू किया है। हम आपको ये भी बता दें कि ये नदवा 1998 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसको लेकर बहुत पुराना, अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, ये बहुत। फिलहाल जो शादाब, वहाँ पे किसी से आपकी आप बात कर सकते हैं वहाँ के मौलवी लोगों से? नहीं देखिए, आपके साथ इस टाइम करना मुश्किल होगा, क्योंकि जितने लोग थे वो बात कर चुके हैं, अब लोग अपने अपने काम से निकल चुके हैं। अब फिलहाल अभी तो ऐसा बात होना मुश्किल होगी, लेकिन जिस हिसाब से नदवा प्रशासन बात कर रहा था और उन्होंने सब चीजें बताई हैं, तफसील से बताई हुई हैं कि जो भी सर्वे टीम ने पूछा है उसको हमने बाखूबी बताया है, और जो भी उनको इसके अलावा भी जानकारी चाहिए होगी हम लगातार देने के लिए तैयार हैं। अभी फिलहाल
ऐसी कोई खामी नजर नहीं आई है जी नंदनी। एसडीएम और एएसडीएमओ और कई अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे साहब। जी बिल्कुल, यहाँ पे चाहे वो एसडीएम हो चाहे डीएमओ हो चाहे और भी जो अधिकारी हो सब मौजूद थे। उन्होंने भी जो है यहाँ पे संतुष्टि जताई है। जो पूछताछ थी उन्होंने भी साफ तौर पर बताया है कि जो भी हमसे पूछा गया मैंने उन लोगों ने उसका सही जवाब दिया है और जो भी कागजात हमको चाहिए थे उन्होंने वो भी मुहैया कराए हैं। अब ये जो रिपोर्ट बनेगी अब ये रिपोर्ट बना के उच्च अधिकारियों को पेश करेंगे। हालांकि इस मदरसे में अभी तक कोई खामी नजर नहीं आई। जी वहीं जिलाधिकारी को 25 अक्टूबर तक सरकार को सारी रिपोर्ट सौंपी भी जाएगी। जी बिल्कुल, हमने आपको बताया कि ये पहला सर्वे था नदुए का, यहाँ पे ही इन्होंने सर्वे चालू किया और बहुत शांतिपूर्वक यहाँ पे सर्वे हुआ है और यहाँ नदुआ प्रशासन ने भी बहुत शांतिपूर्वक उस सर्वे को भी एक्सेप्ट किया है और यहाँ पे ये जो सर्वे टीम थी उनका साथ दिया है और जो भी उन्होंने पूछा उनको बताया। अब इसके बाद कई मदरसे हैं जैसे वो मलियाबाद हो चाहे वो कुर्सी रोड हो लखनऊ का, कई मदरसे हैं। अब वहाँ पे टीम जाएगी, उसके बाद ही पता चल के आ पाएगा कि क्या वहाँ खामियां निकलती हैं या वहाँ पे भी नदवे की तरह सब सही निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शादाब हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।